हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में राज्य सरकार समेत अन्य अभ्यर्थियों की विशेष अपीलों पर सुनवाई जारी। अदालत ने फाइनल सुनवाई के लिए सोमवार 10 फरवरी की तारीख तय की, जिस पर आज सुनवाई होगी आखिरी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सूर्य नमस्कार वाले बयान पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि मोदी किसी बेरोजगार युवा के पिता के लिए भी कोई आसन बता दे तो अच्छा होगा। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को दिल्ली के शाहीनबाग इलाके से नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए के प्रदर्शनकारियों को हटाने की मांग पर करेगा सुनवाई। मामले में इससे पहले कहा था कि वो शाहीनबाग में प्रदर्शनों के खिलाफ याचिकाओं की सुनवाई 10 फरवरी को करेगा, जो कि वो मामले की शुक्रवार को सुनवाई करके दिल्ली विधानसभा चुनाव को प्रभावित नहीं करना चाहता। सबरीमाला से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट सोमवार को आदेश देगा। 9 जजों की संविधान पीठ ये तय करेगी कि क्या पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट सवालों को तय करने के लिए मामले को बड़े बेंच में भेज सकता है या नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 16 फरवरी के काशी आगमन की तैयारियों की समीक्षा के लिए सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय वाराणसी दौरा आज से शुरू। दोपहर वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति वन पर पहुंचेंगे और वहां निरीक्षण करने के बाद सर्किट हाउस में तैयारियों की समीक्षा करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि इस साल एक इंटर्नशिप स्कीम लाई जाएगी, जिसमें इंटर्नशिप करने वाले नौजवान को मानदेय के तौर पर हर महीने 2500 रुपए दिए जाएंगे। अयोध्या दौरे पर जाएंगी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। सुबह 9:30 बजे अयोध्या एयरपोर्ट पहुंचेंगी। वहीं हनुमानगढ़ी कनक भवन में भी पूजा करेंगी। भारतीय सैनिकों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में आजम खान को आज रामपुर की एमएलए स्पेशल कोर्ट में पेश होना है। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। सीतापुर में एक हिस्ट्री शीटर बदमाश पर पत्नी को गोली मारकर मौत के घाट उतारा। आरोपी ने की थी 3 शादियां। 2 पत्नियों के बीच हुई कहासुनी के बाद गुस्से में आरोपी ने किया एक पत्नी का मर्डर। महाराजगंज में बालू से लदी ट्रक अनियंत्रित होकर पुलिस बूथ में घुसी। हादसे में दीवान नागेंद्र सिंह हुए घायल। पुलिस ने ट्रक को हिरासत में लेकर घायल के इलाज के लिए मेडिकल भेजा। जालौर में पुलिस ने गांजा तस्कर को किया गिरफ्तार। कई दिनों से फरार चल रहा था आरोपी। पुलिस ने आरोपी के पास से बरामद की गांजे की बड़ी खेप। मुरादाबाद में शॉर्ट सर्किट होने से चलती कार में लगी भीषण आग। लोगों ने कूदकर बचाई जान, जिसके बाद दमकल विभाग ने पाया आग पर काबू। मऊ में रविदास जयंती के शोभा यात्रा जुलूस निकाल रहे लोगों ने ट्रैफिक जाम में फंसे बजरंग दल के बस पर पथराव किया। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। मेरठ में मंचले ने की छात्रा के साथ छेड़छाड़। पीड़िता के पिता की शिकायत पर आरोपी ने पिता के साथ की मारपीट। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। अयोध्या में राम मंदिर के लिए ट्रस्ट के गठन के बाद मंदिर के निर्माण के लिए ट्रस्ट को 2 करोड़ का चेक मिला। राम मंदिर निर्माण के लिए महावीर हनुमान मंदिर पटना के ट्रस्टी अमाबा मंदिर के महंत किशोर कुणाल ने जिलाधिकारी को चेक सौंपा है। महावीर मंदिर ट्रस्ट ने मंदिर निर्माण के लिए पहले ही 10 करोड़ देने की घोषणा की थी। नैनीताल जिला प्रशासन ने स्वरोजगारों के लिए एक सराहनीय पहल की है। नैनीताल जिले के पर्वतीय क्षेत्र में पहाड़ी उत्पादों को सरस बाजार के माध्यम से बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। इस बाजार में पहाड़ी उत्पादों को बिक्री के लिए रखा जाएगा। मुजफ्फरनगर में जिला प्रशासन ने परीक्षा में किसी तरह की नकल न हो इसके लिए कमर कस ली है। जिले में 66 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और सभी 66 परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी रखी जाएगी। उन्नाव के बीगापुर इलाके में बंद घर में मिली युवक की लाश। लोगों ने बताया अकेलेपन की वजह से युवक शराब का आदि था। मौके पर पुलिस को अवैध असला भी हुआ बरामद। पुलिस मामले की जांच में जुटी।
आजमगढ़ से लखनऊ जा रही रोडवेज बस में परिवहन निगम के एमडी ने किया औचक निरीक्षण। बाराबंकी से लखनऊ तक बैठकर सफर भी किए, साथ ही यात्रियों से की बातचीत। मुजफ्फरनगर में डीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसानों को जल्द ही मिलेगी क्रेडिट कार्ड की सुविधा, साथ ही योजनाओं के प्रचार प्रसार के भी किया जाएगा। मेरठ में लोगों ने बाइक चुराने वाले युवक को रंगे हाथों पकड़ा है। पुलिस ने करवाया लॉक खोलने का डेमो, आरोपी ने 10 सेकंड में खोली बाइक की लॉक। कोरोना से पीड़ित 64 मरीजों के बीच जापान के क्रूज में फंसा है मेरठ का सॉफ्टवेयर इंजीनियर। परिजनों ने की वीडियो कॉलिंग से बात। जहाज में फंस भारतीय ने राजदूत से लगाए शाकाहारी भोजन की गुहार। मेरठ के कंकरखेड़ा क्षेत्र के शांति मंडप में एक युवक की पिटाई का मामला सामने आया है। यहां एक स्कूटी सवार दबंग ने एक युवक की बेल्ट से जमकर पिटाई की है। कानपुर में डॉक्टर बम के नाम से कुख्यात आतंकी डॉक्टर जलीस अंसारी के तार सूत्रों के मुताबिक अंबेडकर नगर के टाडा से भी जुड़े हुए हैं। मोबाइल की कॉल डिटेल में दादा के दो कारोबारियों के नंबर मिले। एटीएस और खुफिया एजेंसियां जल्द पूछताछ कर सकती हैं। कानपुर देहात में गंगा घाट से स्नान कर वापस लौट रहे श्रद्धालु से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, कई लोग हुए घायल। पुलिस ने लोगों को कराया अस्पताल में भर्ती। कानपुर देहात से महिला के साथ दबंगई करते थानाध्यक्ष का वीडियो हुआ वायरल। थानाध्यक्ष मकान के विवाद में महिलाओं से अभद्र भाषा बोलते नजर आए। रामपुर में चोरों ने किया लाखों पर हाथ साफ, घर के ताले तोड़कर जेवर नकदी समेत 5 लाख की चोरी, पुलिस जांच में जुटी। शाजापुर का 105 साल पुराना बंद पड़ा ओवरब्रिज अब 100 से ज्यादा गरीब परिवारों के लिए रोजी रोटी का बनेगा साधन। बंद हो चुके ओवरब्रिज नगर निगम सिटी की सबसे आदर्श सब्जी मंडी तैयार करने जा रहा है। पीलीभीत में प्रेम प्रसंग के चलते भाई ने की बहन की हत्या, मृतका के पिता की तहरीर के बाद पुलिस ने शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, आरोपी गिरफ्तार। बुलंदशहर एलआईसी जीवन बीमा की ब्रांच से 7 कंप्यूटर मॉनिटर चोरी, घटना के वक्त ब्रांच में लगे सीसीटीवी भी तोड़े गए, पुलिस मामले की जांच में जुटी। देहरादून अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांतीय अधिवेशन में शामिल हुए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, बोले देश और प्रदेश की नींव तभी मजबूत हो सकती है जब प्रदेश का युवा सही दिशा में हो। रुड़की में पुलिस ने दो अलग अलग मामलों में 3 चरस तस्करों को किया गिरफ्तार, पुलिस ने उनके पास से बरामद किए 1 किलो 300 ग्राम चरस। उधम सिंह नगर में नशे की हालत में युवक ने चलाई गोली, गोली लगने से एक अन्य युवक हुआ घायल। घायल युवक बीजेपी जिला सचिव का भतीजा, जिसका इलाज जारी। पीलीभीत में पुलिस ने जाली नोट बनाने वाले गिरोह के 4 बदमाशों को किया गिरफ्तार, साथ ही जाली नोट बनाने वाले उपकरण और जाली नोट भी बरामद किए। हरिद्वार कुंभ के तमाम स्नान की तिथियां हुई घोषित। पहला स्नान मकर संक्रांति 14 जनवरी को, दूसरा स्नान मौनी अमावस्या 11 फरवरी को और तीसरा स्नान बसंत पंचमी 16 फरवरी को, तो वहीं चौथा स्नान माघ पूर्णिमा 27 फरवरी को पड़ेगा। देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान आईएएमसी में सालाना एल्युमिनाई मीट कनेक्शन 2020 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में इफको इमका अवार्ड के विजेताओं को सम्मानित किया गया। आईएएमसी कनेक्शन 2020 में मीडिया के कई दिग्गज शामिल हुए। हरिद्वार कुंभ को लेकर शाही स्नान की तिथियों का भी हुआ ऐलान। पहला शाही स्नान महाशिवरात्रि का 11 मार्च को, दूसरा शाही स्नान सोमवती अमावस्या का 12 अप्रैल को, तीसरा शाही स्नान मेष संक्रांति 14 अप्रैल को और वहीं चौथा शाही स्नान 27 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा को पड़ेगा।
अंडर 19 वर्ल्ड कप में भदोही के रहने वाले यशस्वी जायसवाल ने शानदार प्रदर्शन किया है, जिसको लेकर उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला। पिता भूपेंद्र जायसवाल ने कहा कि बेटा अच्छा खेला। उत्तराखंड सीएम ने फेसबुक लाइव के माध्यम से आम जनता के सुझाव लिए, जिसके बाद उन्होंने बताया कि लगभग एक घंटे में 1500 से ज्यादा सुझाव मिले। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 20वां प्रांतीय अधिवेशन देहरादून में हुआ आयोजित। 4 दिन के इस आयोजन का आज तीसरा दिन। प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत इसमें मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उत्तराखंड में बीजेपी 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत उत्तरकाशी के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कई गांवों का दौरा किया। उन्होंने दावा किया कि 2022 में फिर से बीजेपी सरकार बनेगी। उत्तराखंड में 15वें वित्त आयोग ने पंचायतों को ज्यादा मदद देने और उन्हें सशक्त करने की सिफारिश की। ऐसे में सीएम त्रिवेंद्र ने इसे बड़ी पहल बताया। सीएम का कहना है कि गांव को मजबूत करना बहुत जरूरी है। गांव के लोग संपन्न होंगे तो शहर मजबूत होंगे। हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दलितों के हितों और उनके आरक्षण को षड्यंत्र रचते हुए खत्म करने की कोशिश की गई। राज्य सरकार के 3 साल पूरे होने के मौके पर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा कि इन 3 सालों में एक भी विकास का पत्थर राज्य सरकार नहीं रख पाई। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि दोपहर में लालटेन लेकर वो त्रिवेंद्र सरकार का विकास खोजेंगे। देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय में संत रविदास जी की जयंती के मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संत रविदास जी को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर महानगर अध्यक्ष लालचंद्र शर्मा ने कहा कि संत रविदास जी का भारत के समाज सुधारक के रूप में महत्वपूर्ण योगदान रहा। उत्तराखंड को 2021 में नेशनल गेम्स की मेजबानी मिली है। राष्ट्र खेल महाकुंभ को सफल बनाने के लिए जीटीसीसी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। कमेटी राज्य सरकार में समन्वय बनाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, जिसको लेकर भारतीय ओलंपिक संघ के जनरल सेक्रेटरी ने 5 सदस्य कमेटी का गठन किया। बांग्लादेश ने रविवार को भारत को 3 विकेट से हराकर पहली बार अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। बारिश की वजह से मैच थोड़ी देर प्रभावित हुआ। इसके बाद डकवर्थ लुईस पद्धति के मुताबिक बांग्लादेश को जीत के लिए 5 ओवर्स में 7 रन का लक्ष्य मिला, जिसे बांग्लादेश की टीम ने 23 गेंद शेष रहते हुए हासिल कर लिया। भारत ने टॉस हराकर पहले बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल ने 88 और तिलक वर्मा 38 के दम पर बांग्लादेश के सामने जीत के लिए 178 रन का लक्ष्य रखा। जवाब में बांग्लादेश ने परवेज हुसैन 47 और कप्तान अकबर अली ने 43 रनों के नाबाद पारी के दम पर यह खिताबी मुकाबला जीता। मलाइका अरोड़ा पर्पल ड्रेस में काफी स्टनिंग नजर आई। सोशल मीडिया पर भी मलाइका अपनी स्टनिंग लुक की तस्वीरें शेयर करती हुई नजर आई। खामिया और शलभ ने पिछले साल 10 फरवरी को ही एक दूसरे को डेट करना शुरू किया और ठीक 1 साल बाद यानी 10 फरवरी को ही ये कपल शादी करने जा रहा है। लाल दोनों की सगाई हो गई है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं।